एक मेरा मकान तोड़ के ऐसे करवाएंगे और जैसे मकान बीडीए अप्रूव्ड है, हमारा होटल भी बीडीए अप्रूव्ड है, उसके बाद ही मकान तोड़ा जा रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई पेपर मांगने को तैयार नहीं है, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई। हम गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस घटना से हमें दोषी ठहराया जा रहा है उस घटना का सीसीटीवी कैमरे निकाल लिए जाएँ, सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया जाए। वहाँ बैंक पे कैमरे लगे हुए हैं। जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन 5-6 दोस्तों को लेकर हमारा छोटा भाई अपने प्लॉट को खाली कराने गया था। वहाँ दूसरा पक्ष आया जिसका नाम आदित्य उपाध्याय और चन्नू पंडित है। उसने आकर एकदम से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमारे भाई के एक दोस्त ने जिसका नाम रोहित ठाकुर है, उसने सिर्फ अपने बचाव में एक दो फायर किया, बाकी सारी फायरिंग जितने भी फायर 50 फायर 100 राउंड जो हुए हैं वो सारे उसी की तरफ से हुए हैं, आदित्य उपाध्याय चंदू पंडित की तरफ से। हमारी कोई सुनेगा, हम सब जगह जाएंगे, हमारी को सुनने वाला तो हमारी को सुनने वाला नहीं है। आज आप सामने आए तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा जी होगा, अपने लिए इंसाफ के लिए होगा अगला कदम। हम सरेंडर करेंगे आज। और अभी हम नहीं सरेंडर करने नहीं आए, सिर्फ हम सरेंडर करने नहीं, हम अपने डॉक्यूमेंट दिखाकर ये सच। सबसे पहले मुद्दा ये है जिस प्लॉट, एक मिनट, सबसे पहला मुद्दा ये है जिस प्रॉपर्टी को लेकर हमें दोषी ठहराया जा रहा है, जिस पे ये कहा जा रहा है हम कब्जा करने गए थे, उसको जाँच की जाए वो प्लॉट हमारा है या दूसरी पार्टी का है। पहले ये साबित हो वो पक्ष हम सही हैं या वो सही है। हम दावा करते हैं, आपसे लिख कर देते हैं, हमारा प्लॉट ये बीडीए अप्रूव्ड है, जिस प्लॉट पे हम अपना खाली कराने गए थे। एक साल से हम उस पर पत्थर हटवाना चाहते थे, वो नहीं हटा रहे थे। हम एसएसपी साहब के पास गए, आईजी साहब के पास में गए, इंस्पेक्टर साहब से मिले और एडीजी साहब से मिले, सारे दरवाजे हम खटखटा चुके थे। उसके बाद हमने जाके बिल्डोजर से पत्थर को तोड़ना चाहा। बिल्कुल अपने मकान पर जा रहे हैं, आइए हमारे साथ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।